Hello everyone, namaskar, adab, sat sri akal, welcome to An Academy, and today we are going to talk about cerebral blood flow. How blood flows into your brain, kaun kaun si nase hain jo dimag mein khoon le jaati hain. Samajhte hain inko aur short mein samjhenge, review class hai, so please understand. Alright, and please like and share this video, subscribe the channel. So, सेरिब्रल ब्लड फ्लो देखो बहुत जरूरी है इसको समझना बिकॉज यहाँ इस सेरिब्रल ब्लड फ्लो में कहीं पर भी कोई क्लॉट आ जाता है तो इट कॉजेज इस्चीमिया टू वेरियस पार्ट्स ऑफ द ब्रेन एंड इट कैन लीड टू वेरियस सिम्टम्स और ये बहुत हाईली वनरेबल होता है इस्चीमिया से बिकॉज ये बहुत ज़्यादा एक्टिव एरिया है प्राइमरी एरिया है जो सिर्फ और सिर्फ ग्लूकोज पर डिपेंडेंट है एज अ फ्यूल सो इसीलिए एक भी अगर वहाँ पर इशू आता है ग्लूकोज की एक्टिविटी कम हो जाएगी अगर क्लॉट हो जाएगा तो बहुत प्रॉब्लम आएगा तो इट्स फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स वेरी वल्नरेबल टू इस्चीमिया द सेकंड देयर आर टू मेन सिस्टम्स जो आपके ब्रेन को ब्लड सप्लाई करते हैं द फर्स्ट इज द कैरोटिड आर्टरी इंटरनल कैरोटिड सिस्टम एंड द सेकंड इज द वर्टीब्रो बेसिलर सिस्टम प्लीज रिमेंबर दैट तो इसमें देयर इज टू बेसिक सिस्टम और ये एक सर्कल ऑफ विलस है जिसकी आप अभी फोटो देख रहे हैं यहाँ पर ये सर्कल ऑफ विलस बेसिकली कनेक्ट्स दीज टू मेजर सिस्टम्स एंड आल्सो एक अल्टरनेट ब्लड सप्लाई सर्कुलेशन बना देता है कि अगर कहीं कहीं पर एक आधी जगह पे जैसे यहाँ पर अगर क्लॉट आ भी गया सो द ब्लड विल स्टिल फ्लो फ्रॉम हियर एंड हियर एंड हियर टू हियर सो दैट ब्रेन कैन हैव सम सेकेंड चैनल ऑल्सो सम बाईपास चैनल अवेलेबल इसलिए सर्कल ऑफ विलस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो दिस इज द आइडिया ऑफ दिस इज द सर्कल ऑफ विलस विच यू कैन सी हियर याद रखें ठीक है तो लेट्स अंडरस्टैंड कहाँ कहाँ से आती हैं आर्टरीज और जैसे मैंने कहा इंटरनल ये इंटरनल कैरोटिड आर्टरीज हैं यहाँ पे देख सकते हैं आप ये दोनों मेन यहाँ पर आ रही हैं और यहाँ पर आ रही हैं और ये वर्टिब्रल आर्टरीज हैं जो यहाँ पर आ रही है यहाँ से आ रही है तो ये वर्टिब्रल आर्टरी यहाँ जोड़ रही है इंटरनल कैरोटिड आर्टरी यहाँ जोड़ रही है इनको दोनों को मिला के सर्कल ऑफ विलस बन रही है वर्टिब्रल आर्टरी मेन जुड़ के बेसिलर आर्टरी बन रही है और यहाँ से निकल के जाती है वो सारे का बड़ा बड़ा डायग्राम पे हम बात करेंगे अभी ओके सो इंटरनल कैरोटिड सिस्टम जो है ये क्या करेगा ये क्योंकि आगे की तरफ है तो आगे की तरफ में ये सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स को ये प्रोवाइड करेगा तो द मेन सप्लाई इज टू द सेरिब्रल हेमिस्फीयर विद द एक्सेप्शन विजुअल कॉर्टेक्स को ये नहीं सप्लाई करता ये आपको याद रखना है एंड पोस्टीरियर इंफीरियर सरफेस ऑफ द टेम्पोरल लोब ये दो जगह पे ये नहीं सप्लाई करता देन सेरिब्रल कॉर्टेक्स को करता है एंड इसी से जो एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी ये निकल के आती है ये वाली दिस एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी इट सप्लाइज द इंफीरियर फ्रंटल लोब एंड द मीडियल सर्फेस ऑफ द फ्रंटल एंड पैराइटल लोब फ्रंटल एंड पैराइटल लोब के अंदर वाले सर्फेस को ये सप्लाई करता है और एंटीरियर कॉर्पस कैलोसम एंटीरियर कॉर्पस कैलोसम एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी देन देर आर छोटी 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 परफोरेटिंग ब्रांचेस विच सप्लाई द लिम्बिक स्ट्रक्चर हेड ऑफ द क्वाडेट एंड द एंटीरियर लिम्ब ऑफ द इंटरनल कैप्सूल ये सारे पॉइंट जो हैं एक रटने वाले हैं थोड़े से बट करना पड़ेगा ओके मिडिल सेरिब्रल आर्टरी ये जो मिडिल सेरिब्रल आर्टरी जाती है मिडिल सेरिब्रल आर्टरी आपके एमसीए इट सप्लाइज द ब्लड टू द कॉर्टेक्स एंड वाइट मैटर लाइक इन द फ्रंटल पैराइटल टेम्पोरल ऑक्सीपिटल एंड द इंसुला इस जगहों पे और उसमें से जो छोटी छोटी ब्रांचेस आती हैं दिस इज कॉल्ड लेंटिक्लोसाइरेट दिस बेसिकली सप्लाई The posterior limb of the internal capsule. Internal capsule is supplied by the MCA. कहते हैं MCA territory infarct हो गया है. So internal capsules और frontal, parietal, temporal side के कुछ white matters को के cortex, most of the white and white cortex and white matter को ये supply करते हैं. और internal capsule के भी posterior limb को putamen and globus pallidus नाम के आपके जो nucleus है वहाँ पे भी ये supply करता है. Then the third part ये आगे आपके फोटो याद रखिए यहां पर ये आगे सेरिब्रल आर्टरीज एक वन टू थ्री ये तीन सेरिब्रल आर्टरी हैं यहां पर
और वहां पर भी तीन सेरिब्रल आपकी आर्टरी है, ये पोस्टीरियो इन्फीरियर सेरिब्रल आर्टरी हो गई, ये मेन मोटी वाली बेसिलर आर्टरी है, ठीक है, यहाँ पर ये आ गई है आपकी पोस्टीरियर सेरिब्रल सेरिबेलर सेरिब्रल आर्टरी, इंटरनल सेरिब्रल, और ये है मिडल सेरिब्रल जो आपकी यहाँ से निकल के आती है, मिडल सेरिब्रल आर्टरी जो हमने अभी देखी। तो अभी हमने दो तीन मेन आर्टरीज देखी, मिडल सेरिब्रल आर्टरी और पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी। और अगर इसके क्लिनिकल नोट को समझें तो अगर एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी जो छोटी वाली बीच में से निकल रही है वहां पर कहीं पर इंफार्क्शन हो जाए, इट विल कॉज जो भी वहां एरिया है सामने के एरिया से, इट विल कॉज वीकनेस सेंसरी लॉस ऑफ द डिस्टल कॉन्ट्रालेटरल लेग, दूसरे तरफ के कॉन्ट्रालेटरल लेग पे आपके डिस्टल आगे के साइड पे इशू आएगा, बिकॉज ए सी ए सप्लाईज ब्लड टू द ब्रेन एरिया जो कंट्रोल करता है डिस्टल कॉन्ट्रालेटरल लेग, ठीक है। और इसके साथ में मोस्ट कॉमन स्ट्रोक सिंड्रोम जो आपका आता है, विच इज दी मैंने बताया था इन्फार्क्शन ऑफ द एमसीए टेरिटरी, मोस्ट कॉमन। और इन्फार्क्शन डैमेज कहाँ पे होता है, ये कॉर्टेक्स के वाइट मैटर पे, और रिजल्ट करता है कॉन्ट्रालेटरल वीकनेस, सेंसरी लॉस, या फिर होमोनॉमस हेमीएनोपिया। ये वर्ड बहुत सुनेंगे आप, होमोनॉमस हेमीएनोपिया याद रखेंगे। देन डिपेंड्स अपॉन इट्स हेमीफियर इन्वॉल्वमेंट, आइदर लैंग्वेज डिस्टर्ब होगी या स्पेशल परसेप्शन डिस्टर्ब होगा, या फिर देर विल बी वीकनेस एंड सेंसरी लॉस विच अफेक्ट्स द फेस एंड आर्म मोर देन द लेग। याद रखो फेस एंड आर्म मोर देन द लेग, यानी कि वो आता है लेग पे सप्लाई ए सी ए का, ठीक है, तो ए फेस एंड आर्म पे एम सी ए का, तो याद रखें। उसके बाद एम सी ए सप्लाईज ब्लड टू द ब्रेन एरिया दैट कंट्रोल द कॉन्ट्रालेटरल फेस एंड अपर एक्सट्रीमिटी, ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। देन देर इज जो थर्ड सिस्टम मैंने बताया नीचे का, वर्टिब्रो बेसिलर सिस्टम, वर्टिब्रो बेसिलर, नीचे वर्टिब्रो, दो वर्टिब्रुलर आर्टरी, बीच में बेसिलर आर्टरी बना रही। इस वर्टिब्रो बेसिलर सिस्टम में पोस्टीरियर पार्ट ऑफ सर्कल ऑफ विलर्स को आप पीछे, वहां से दो मोटी मोटी पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरीज निकल के आती है, और थ्रू दिस सर्कल ऑफ विलर्स वर्टिब्रो बेसिलर सिस्टम आपके एंटीरियर जो सिस्टम्स हैं एंटीरियर पोर्शन ऑफ सर्कल ऑफ विलर्स से जुड़ के कैरेटोइड आर्टरीज वाले से, इंटरनल कैरेटोइड आर्टरीज वालों से जुड़ जाते हैं, ताकि वहां पर पूरा सर्कल बन सके जो हमने देखा। ये पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी पोस्टीरियर पार्ट ऑफ ब्रेन पे सप्लाई करेगी पोस्टीरियर इन्फीरियर सर्फेस ऑफ टेम्पोरल लोब, मीडियल ऑक्सीपिटल, मिड ब्रेन सेरिबेलम, सीधी बात सेरिबेलम की सेरिब्रल आर्टरी हमने खुद देखी। तो अगर इनमें कहीं पर बेसिलर आर्टरी में कहीं ब्लॉक आ गया तो इट विल कॉज समथिंग कॉल्ड एज अ लॉक इन सिंड्रोम। लॉक इन सिंड्रोम का मतलब क्या है, पेशेंट की कॉग्निशन यानी समझने तो सस्ती तो इंटैक्ट होती है, बट जो भी उन दे आर टिपिकली पैरालाइज्ड विद द एक्सेप्शन ऑफ ऑक्यूलर मसल, पूरा पैरालाइज हो जाएंगे, सिर्फ ऑक्यूलर मसल्स उनकी रहेंगी, आंख हिला पाएंगे, बाकी सारा पैरालाइज लॉक इन हो जाएंगे। पेशेंट कॉन्शियस है, अवेयर है, बोल नहीं सकते, बस सिर्फ ब्लिंक कर सकते हैं, आई को मूव कर सकते हैं, खतरनाक लॉक इन सिंड्रोम है जो कुछ नहीं कर सकते, पूरा पक्का स्टैचू। दूसरा ये कहाँ होगा, बेसिलर आर्टरी की वजह से, याद रखना। अगर पीसीए पोस्टीरियर के सेरिब्रल आर्टरी गई तो क्या होगा, देर विल बी अगेन जैसे एमसीए में होमोनोमस हेमिनोपिया, वहां पर भी होगा, और यहां पर होगा विजुअल कॉर्टेक्स का मैक्यूलर विजन जो है वो स्पेयर हो जाएगी बीच की, और बिकॉज द ऑक्सीपिटल पोल जो आपका दूसरा पोल है वो रिसीव करता है ब्लड सप्लाई टू फ्रॉम द एमसीए, बाकी का पार्ट जो है वो पीसीए से है, तो इफ द ब्लॉकेज इन्फार्क्शन इन द पोस्ट प्रॉक्सिमल पोर्शन ऑफ द पीसीए एंड थैलेमस कैन ऑल्सो बी इफेक्टेड, इसके वजह से देर विल बी कॉन्ट्रालेटरल सेंसरी लॉस ऑल्सो। तो ये पूरा बेसिक है आपके ब्रेन के ब्लड सप्लाई का, सिंपल सा फंडा है, ब्रेन के अंदर पोस्टीरियर आर्टरीज, ये आ गई आपके वर्टिब्रल आर्टरीज ऊपर आ गई, बेसिलर आर्टरी बन गई, बेसिलर आर्टरी ने दो पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी बना दी, यहाँ से ये सर्कल ऑफ विनस बन गया, सर्कल ऑफ विनस से मीडियल सेरिब्रल आर्टरी निकल गई, सबसे कॉमन इन्फार्क्ट होता है एमसीए में, वहाँ से एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी निकल गई, यहाँ से ये दो आर्टरी जो आ रही है वो है इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, तो इंटरनल कैरोटिड और बेसिलर आर्टरी,
और बाकी यहाँ से निकल गई दो तीन सेरिब्रल आर्टरी, सेरिबेलर आर्टरी, ठीक है। तो ये याद रखेंगे, ये ऊपर का पार्ट इंटरनल कैरोटिड सिस्टम, नीचे का पार्ट वर्टिगो बेसिलर सिस्टम, बीच का पार्ट सर्कल ऑफ विलस। तो इस तरह से ब्रेन सप्लाई होता है और इसी तरह से आपको याद रखना है। तो आई होप दिस इज अ शॉर्ट रिव्यू। इफ यू वॉन्ट मी टू मेक अ डिटेल्ड वीडियो, नीचे लाइक करके सब्सक्राइब कर दीजिए और मुझे बताइए, फिर बहुत डिटेल में इस पर वीडियो बनाएंगे। शॉर्ट में बनाया ताकि आप रिवाइज कर सको, राइट। सो थैंक यू। आई होप जिनको नहीं भी पता हो वो नया आए, देख के समझें कुछ ना कुछ। एंड प्लीज शेयर दिस वीडियो, सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू सो मच। स्टे कनेक्टेड, स्टे हेल्दी। बाय बाय।